क्या लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ है? यहाँ पेशाब करना मना है। हाँ तो? तो क्यों कर रहे थे पेशाब? मुझे पढ़ने नहीं आता। अरे? अभी अनपढ़ है क्या? अभी अनपढ़ होगा तू, पूरी इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी है हमने, वो अलग बात है कि अभी तक नौकरी नहीं मिली। यहाँ लोगों के पास आँख होते हुए भी अंधे बने पड़े हुए हैं, और ये तेरा रोज रोज का नया नाटक, अब ये क्या है भाई? आज मुझे दुनिया देखेगी? ऐसे नमूने बन के बैठा रहेगा तो दुनिया तो देखेगी ही ना। इससे करना क्या चाह रहा है तू? अबे इसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इससे तुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन दुनिया तुम्हें देख पा रही है। मतलब आज मुझे दुनिया देखेंगे तो क्या म्यूजियम में चले जाएं? इस पागलपन को क्या समझो? जब वो सब छोड़, आज तेरे साथ ऐसा क्या हुआ? ऐसे पगलाए हुए क्यों है? क्या बताएं आप? पता नहीं इस देश का क्या होगा भाई। ये चश्मा पहन। वो देख, सामने गधा आता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है जिससे मैं बात कर रहा हूँ ना, वही गधा है। मतलब हद है यार, जब इससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो कैसे पता चलेगा कि सामने से क्या आ रहा है? इसी तरह हर कोई चश्मा लगा रखा है, कोई अहंकार का, कोई घमंड का, कोई ईर्ष्या का, कोई लालच का, कोई मोह का, तो कोई इग्नोर का। और ये चश्मा किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा, क्योंकि आदत सी हो गई है। भाई ये जो तेरी फिलॉसफी है ना, ये सब सुनने में अच्छी लग रही है, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। चलो समझाता हूँ। भाई साहब हमें भी कंपनी दीजिए। अपने पास कोई चाय की टपरी नहीं है और पूरी कंपनी देने की बात कर रहे हो? मतलब हमें भी पिलाओ। अरे तो ऐसे खुलकर बोलो ना, ये लो, तुम भी क्या याद रखोगे कि किसी दिलवाले से मिले थे? अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये आपका छोटा भाई है, नहीं थोड़े देर के लिए मान लीजिए, और ये आपके सामने हाथ में सिगरेट पकड़े हुए हैं, तो आप क्या करोगे? भाई साहब जब आप खुद पी रहे हो तो इसे क्यों मारे? काश ये काम किसी ने 3 साल पहले किया होता तो आज मैं इस हालत में नहीं होता। मुझे पता है ये फेफड़े जलाती है, लेकिन इसके बिना अब रहा भी नहीं जाता।
पहली बार कैसे पिए थे? पीना तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था, दोस्तों ने बोला सिर्फ एक बार, बस एक बार। जब पहली बार पी लिए तो दूसरी बार सोचना ही नहीं पड़ा, फिर बार बार आदत ही बन गया। कोई भी चीज पहले करने में अजीब लगती है, फिर आम हो जाती है। इतना तो हर कोई जानता है। जानने और दिखने में अंतर है। आज से 10 साल पहले सोशल मीडिया पर लोग अपना प्रोफाइल डालने में ही चकते थे, लेकिन आज बात आम हो गई। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब लोग नंगा होना शुरू हो गए। सरेआम एंटरटेनमेंट के नाम पर गालियां परोसना आम बात हो गई है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि पहले लोगों को अजीब लगा, लेकिन अब सब एंजॉय करने लगे। तो क्या हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल ही बंद कर देना चाहिए? पता भी है सोशल मीडिया हमें आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी टेक्नोलॉजी गलत है। आज टेक्नोलॉजी की बदौलत ही हम वाटर प्यूरिफायर का पानी खरीद कर पी रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा पानी का भंडार होते हुए भी हमें ऐसा करना पड़ रहा है, ये हम लोगों को लापरवाही को छुपाना नहीं हुआ तो और क्या है। और अब तो एयर प्यूरिफायर भी आने लगे। टेक्नोलॉजी की दृष्टि से सही है, लेकिन हमें ऐसा करना क्यों पड़ रहा है, इसकी जरूरत क्यों, सवाल ये है। हाँ, वो तो है, पर हम इसके आदि हो चुके हैं। खतरा बढ़ रही है पर दिख नहीं रही। ये तो बात रही हवा और पानी की, लेकिन अब तो हमारे संस्कार भी दूषित होते जा रहे हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ने लगी? बोट को तो मैं भी काफी दिनों से देख रहा, पर शायद मेरे आंखों पर भी किसी तरह का चश्मा लगा। लेकिन फ्रीडम नाम की भी तो कोई चीज होती है ना? हर फ्रीडम की एक लिमिट होती है। अब एक चोर ने चोरी क्यों किया और उसका चोरी कैसे सही है, उसके पास अपने तरीके का अपना डेफिनेशन है। एक मर्डर करने वाले इंसान के पास उसके अपने तरीके का अपना कारण है, लेकिन फिर भी वो सही नहीं है। तो फिर तुम्हारे हिसाब से सही क्या है? देखो, सही का कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हमें हर कदम पर इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम एक इंसान हैं, और हर इंसान पर इस प्रकृति, संस्कृति, संस्कार और हमारे अपनों का कर्ज है, और इसे चुकाना हमारा फर्ज है। कितना कर पाए ये दूसरी बात है, लेकिन हमारा प्रयास और नियत होना चाहिए। बाकी ये जिंदगी भी हमें सीमित समय देती है, बस ध्यान से जियो ताकि अंत तक कोई अफसोस न रह जाए।